वाकई मेरा दिल थोड़ा बेचैन था। दिल पर एक बोझ सा था कि इस बार भी कहीं तुम्हारे अब्बू ने जल्दी में कोई गलत कदम ना उठा लिया हो। और इस बात पर भी परेशान थी कि हम उन लोगों से सच छुपा रहे हैं। लेकिन वहां जाकर उन लोगों से मिलकर उनका घर देखकर मेरे तो तमाम वसवसे दूर हो गए। कितने अच्छे लोग हैं वो। अरे अलीना, क्या आलीशान घर था उनका, बताओ ना उर्वा को। ठीक कह रही हूँ, बाकी मैं आप ही, उनका घर बहुत आलीशान है, बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, उन लोगों ने जहेज लेने से साफ मना कर दिया और निकाह भी सादगी से करने पर राजी हो गए। कहने लगे कि हम तमाम रस्में अपने घर पे पूरी कर लेंगे। राशिद ठीक कह रहे हैं कि इस दफा खुशकिस्मती हमारे दरवाजे पर चल के आई है। मुझे तो परेशानी शुरू हो गई है कि अगले हफ्ते उर्वा का निकाह है, ये फिर रुखसत होकर अपने घर चली जाएगी। बस अल्लाह से दुआ है कि सब खैर खैरियत से हो जाए। और हाँ उर्वा जी, अपना ख्याल रखना शुरू करो, जरा तैयार रहा करो। हाँ, एक हफ्ता रह गया है तुम्हारी शादी में, बन ठन के रहना बेटा।